Good morning, class 4 student. I will start you 9th chapter and its name is Agriculture and Minerals. Agriculture and Minerals. हम इस chapter में agriculture और minerals के बारे में जानेंगे. Agriculture means cultivation of land. कहते हैं agriculture का मतलब क्या होता है? Cultivation of land. Okay, जो हम cultivate करते हैं land को, ठीक है? It is also included horticulture, livestock, rearing and fishing. मोर देन 2/3 ऑफ पीपल आर फार्मर. हमारा जो देश है इसका मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर है. ओके, यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग फार्मर्स ही हैं. तो यही कहते हैं वन बाई थर्ड पीपल्स यहाँ के जो हैं वो फार्मर्स ही हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग है, ठीक है, एग्रीकल्चर है. तो यहाँ ज़्यादातर लोग फार्मर्स ही हैं. कहते हैं इंडिया हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेट्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. यहाँ की जो क्लाइमेट्स है वो काफ़ी अच्छी है क्रॉप्स के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए. द सॉइल इज़ फर्टाइल एंड वेयर देयर इज लिटिल रेन इरीगेशन फैसिलिटी आर प्रोवाइड. कहते हैं यहाँ का जो सॉइल है वो काफ़ी उपजाऊ है और जहाँ पे बारिश थोड़ी होती है वहाँ इरीगेशन के द्वारा क्या किया जाता है, फसलों को सिंचाई की जाती है, फसलों की सिंचाई की जाती है और क्या, और फसल उगाई जाती हैं. सो फार्मर्स ग्रो मेनी क्रॉप्स था थ्रू आउट द ईयर्स. इसलिए सालों से यहाँ पे जो किसान हैं वो बहुत तरह के क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं. बिसाइड कैश क्रॉप राइस वेट मैजी मिलेट्स एंड पल्सेस आर मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर फार्मर. इसकी तो कहता है इसलिए यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो कैश क्रॉप मतलब ग्रोइंग करते हैं. कैश क्रॉप का मतलब आप समझते हैं, कैश क्रॉप का मतलब है टी, कॉफ़ी, जूट, ये कैश क्रॉप होता है. उसके बाद राइट वेस्ट वेट मैजी ये सारे आप क्या करते हैं, ये सारा फार्मर्स ग्रोइंग करते हैं और इसको क्या करते हैं, सेल करके वो अर्निंग करते हैं, ठीक है. साइंटिस्ट डू एफर्ट्स इन मेनी वे फॉर ग्रोइंग हेल्दियर क्रॉप्स इन इंडिया. उसके बाद साइंटिस्ट जो हैं वो फार्मर्स की हेल्प करते हैं कि कैसे फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ मतलब फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, ठीक है. तो वो इसमें उनकी हेल्प करते हैं. तो आइए हम देखते हैं कि हमारे जो देश में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, 2 types ऑफ क्रॉप आर प्रोड्यूस. हमारे देश में 2 तरह के क्रॉप्स ग्रोइंग किए जाते हैं, एक फूड क्रॉप्स और दूसरा कैश क्रॉप. आइए फूड क्रॉप के बारे में जानते हैं. फूड क्रॉप प्रोवाइड अस द फूड वी ईट. फूड क्रॉप्स को क्या होता है, वो फूड जो हम खाते हैं. दे फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल. जो हमारा स्टेपल डाइट है जैसे कि चावल, रोटी, दाल, सब्जी, तो ये सब क्या है, ये हमारा फूड क्रॉप्स है. राइस वेट पल्सेस मिलेट्स मैजीज इंक्लूड्स इन द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया. राइस ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. राइस कहाँ कब उगाया जाता है, राइस का मतलब हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, गर्म और बारिश जब होती है, गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है, उस समय में राइस की फसल उगाई जाती है जैसे कि अभी, ठीक है. अभी आप जो बच्चे गांव में जाते होंगे वो देखते होंगे कि अभी धान की फसल खेतों में लगी हुई है क्योंकि उसे ऐसा ही क्लाइमेट चाहिए. कहते हैं विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल वेस्ट बंगाल बिहार असम उत्तर प्रदेश झारखंड उड़ीसा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड केरला आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट. ये जो स्टेट हैं असम बिहार उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल उड़ीसा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरला, यहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है. वेट ग्रॉन वेल इन कूल एंड वेट क्लाइमेट. वेट जो है गेहूँ की फसल कब उगाई जाती है, उसे मतलब भीगा और ठंडा मौसम चाहिए जो कि हमें इन विंटर में मिलता है, इसीलिए इन विंटर गेहूं की फसल उस टाइम में ही बोई जाती है, ठीक है. पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर वीट प्रोड्यूस स्टेट. और हमारा जो ज़्यादा मात्रा में गेहूं उत्पादक राज्य है वो कौन कौन सा है, तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है, जहाँ पे बहुत मात्रा में गेहूं की फसल उगाई जाती है. मिलेट्स इंक्लूड बाजरा, ज्वार, रागी. पल्सेस इंक्लूड लेंटिल्स सच एज मूंग, अरहर एंड ग्राम आर ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. इसके अलावा राइस और वेट के अलावा और भी कुछ फसलें उगाई जाती हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस, लेंटिल, उसके बाद पल्सी, ये सारी फसलें भी हमारे खेतों में और हमारे देश के खेतों में उगाई जाती हैं. आइए कैश क्रॉप, ये तो रहा हमारा फूड क्रॉप्स. आइए अब हम कैश क्रॉप के बारे में जानते हैं. कैश क्रॉप आर क्रॉप्स ग्रोन फॉर सेलिंग इन द मार्केट.
कैश क्रॉप मतलब गेहूं और राइस तो अपने लिए भी उगाया जाता है, बहुत सारे लोग इसकी खेती करते हैं क्योंकि हम उसका हमारा ये स्टेपल डाइट है। लेकिन कैश क्रॉप क्या है? कैश क्रॉप मेनली मतलब अर्निंग के लिए, मेनली पैसों के लिए ही किया जाता है क्योंकि इसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। जैसे कि कैश क्रॉप इन इट हेल्प द फार्मर टू अर्न मनी, ये जो किसान जो है उनको मतलब पैसे कमाने में काफ़ी मदद करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप आर सुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड। समटाइम्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्पेशल फार्म्स आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप। इन जो क्रॉप्स है जैसे कि जूट, कॉटन, ऑयल सीड, सुगर केन, ये सारे जो क्रॉप्स हैं ठीक है उसके तो इसे उगाने के लिए प्लांटेशन किया जाता है। थोड़ा इन चीज़ों को अलग से कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती है जिससे ये अच्छा उगे और क्या हो, मार्केटिंग अच्छी हो जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो ठीक है। उसके बाद टी, कॉफ़ी, रबर, रबर को उगाने के लिए, टी और कॉफ़ी और रबर को उगाने के लिए थोड़ा स्पेशल फील्ड्स बनाया जाता है। जैसे कि टी को उगाने के लिए सीढ़ीनुमा खेती बनाई जाती है ठीक है। आप देखेंगे जब मतलब कभी आप असम वगैरह जाएंगे या दार्जिलिंग जाएंगे तो आपको वहाँ पे टी का प्लांटेशन दिखेगा, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ सीढ़ीनुमा खेती होती है ठीक है। तो वो थोड़ा सा अलग स्पेशल खेती होती है, उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत है लेकिन क्या है उसमें फार्मर्स को अर्निंग भी होती है। दे आर मोस्टली कैश क्रॉप, इट इज़ ग्रोन मेनली इन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड बिहार। ये कहाँ कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में होती है, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र और बिहार में होती है। सुगर केन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सुगर एंड जैरी। सुगर केन जो होता है, सुगर केन को हिंदी में ईख कहा जाता है। सुगर केन क्यों उपजाया जाता है? तो ये सुगर के लिए उपजाया जाता है और जैरी दोनों को, इससे सुगर और जैरी दोनों ही बनाया जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन इन द वर्ल्ड। पूरे देश में, पूरे देश और दुनिया में ये हमारा जो देश है ये सुगर केन में पहले स्थान पे आता है, मतलब सबसे ज़्यादा सुगर केन हमारे देश में उपजाया जाता है। इट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल, हॉट एंड मॉइस्चर क्लाइमेट विद प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो। ओके, फाइबर्स, कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ। आइए फाइबर के बारे में जानते हैं कि फाइबर क्यों उगाया जाता है। तो फाइबर जो होता है वो फाइबर में क्या होता है? कॉटन होता है फाइबर। तो फाइबर उगाया जाता है क्लॉथ्स के लिए क्योंकि इसी से क्लॉथ्स बनाया जाता है। इट ग्रोन इन तमिलनाडु, ये कहाँ पे उपजाया जाता है? तो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात और मध्य प्रदेश में। वेस्ट बंगाल एंड असम आर द प्रिंसिपल जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। असम और जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे जूट बहुत मात्रा में उगाया जाता है। जूट इज यूज टू मेक कारपेट, बैग्स एंड ड्रॉप्स। जूट क्यों उगाया जाता है? तो जूट मतलब कारपेट्स, जो चटाई बनाई जाती है, जो बैग्स बनाया जाता है, जो रस्सी बनाई जाती है वो जूट के द्वारा ही बनाई जाती है। ब्रेविस, इंडिया ग्रो मोर टी दैन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ब्रेविस में आता है आपका टी, तो ये जो है इंडिया ग्रोन जो करती है वो सबसे ज़्यादा ग्रोन करती है ठीक है। टी का जो ग्रोन करती है इंडिया वो सबसे ज़्यादा करती है। टी ग्रोन ऑन द हिल स्लोप ऑफ असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स इन साउथ। मैंने तो आपको ये पहले ही बताया था कि ये खेती कैसी होती है, सीढ़ीनुमा खेती होती है। सीढ़ीनुमा खेती क्यों होती है? क्योंकि इसको उतना ही पानी चाहिए होता है और उतना ही पानी इसके पास रहना चाहिए जितना इसको चाहिए, मतलब जितना पानी इसको चाहिए उतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सारा पानी क्या हो जाता है, नीचे स्लॉप कर जाता है, नीचे चला जाता है। अगर ये हम अपने खेतों में बोएं एज अ टी तो क्या होगा, गल जाएगा ठीक है। इसीलिए सीढ़ीनुमा खेती में टी का प्लांटेशन किया जाता है। दार्जिलिंग एंड नीलगिरी हिल्स इन साउथ। कॉफ़ी इज ग्रोन मेनली इन कर्नाटका एंड केरला। कॉफ़ी मेनली कहाँ पर उपजाया जाता है? तो केरला और कर्नाटका में कॉफ़ी उपजाया जाता है। आइए स्पाइस के बारे में जानते हैं। स्पाइस ग्रोन इन इंडिया इंक्लूड्स पीपर, कार्डामम, कॉप, क्लॉव्स, चिली एंड टर्मरिक। मसाले, स्पाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मसाले। तो मसालों का जो हमारा ये जो देश है ना, ये मसालों के उत्पादन में अलग स्थान रखता है और इसी के कारण हमारा देश क्या हो गया था? प्रिजनर हो गया था, गुलाम हो गया था। किसका? इन अ ब्रिटिश का, क्योंकि ब्रिटिश ने सबसे पहले यहाँ से मसाले ही स्टार्ट किए थे। क्या करना,
इम्पोर्ट करना, यहाँ से लेकर के कहाँ जाते थे, वो अपने कंट्री में जाते थे और यहाँ से सस्ते में उस चीज़ों को खरीद लेते थे और उसे क्या करते थे, ज़्यादा महंगे दामों पर अपने देश में बेचते थे। तो हमारा ये जो देश है यहाँ पे बहुत सारे मसाले उगाए जाते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि ये मिर्च, इलायची, हल्दी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को, टर्मरिक को टर्मरिक को हिंदी में हल्दी बोलते हैं, चिलीज को मिर्च बोलते हैं, क्लोव्स को लौंग बोलते हैं, कार्डामम को इलायची बोलते हैं और पीपर को काली मिर्च बोलते हैं, ठीक है। दिस आर मेनली ग्रोन इन कर्नाटका एंड केरला, और ये कहाँ पे उपजाया जाता है ज़्यादातर कर्नाटका और केरला में उपजाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कर्नाटका और केरला में ही इसका उत्पादन होता है, बाकी सब जगह होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। ओके, इंडिया नॉट ओनली ग्रो इनफ फूड फॉर इट्स पीपल बट ऑल्सो एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि इंडिया मतलब सारे क्रॉप्स को ये ग्रो कर लेता है, लेकिन इतना ग्रो करता है कि ये इस फूड क्रॉप्स को दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने एग्रीकल्चर और मिनरल से कैश क्रॉप और फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, आगे हम रेयरिंग कैटल एंड अदर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।